driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my towers tall. Wandering through these empty halls. जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों, कैसे आप सब, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को लेके जा रहे हैं स्वराज के शोरूम पे, और आज हम आप लोग को दिखाते हैं ट्रैक्टर, जो कि यार हम लोग खेत वेत में यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, और अभी हम खड़े हैं पुलगाँव में, तो पुलगाँव के पास ही है, तो आप लोग को दिखा देते लोकेशन कैसा कैसा, चलते और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऑल्टो में कितने, मतलब भर भर के लोग जा रहे हैं ऑल्टो में। देखना ही देखो, ये देखो पूरा पूरा गांव भरा हुआ है, पूरा एकदम कितने सारे लोग। अपन पुलगांव चक आ चुके हैं, अपने को पुलगांव चक क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अभी ये पूरा 4 लेन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक और धूल मिलता है अपने को, पूरा हालत ख़राब हो जाता है यार। मैं रोड में मतलब आता हूँ तो हमेशा कार में ही आता हूँ, बाइक में तो बहुत कम आता हूँ। रोड का हालत कई पूरा उड़ा दिए, आजू बाजू का पेड़ पूरा उड़ा दिए, पूरा काट दिए हैं, 4 लेन बना रहे करके। आ चुके हैं स्वराज के, इसमें चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। चलो, हम आ चुके हैं शोरूम के अंदर ही थे, अब चलते पीछे साइड, और पीछे साइड में पूरे ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं ट्रैक्टर्स कैसे कैसे ट्रैक्टर्स, और उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल भी बताते हैं। स्वराज का, महिंद्रा का भी ट्रैक्टर आता है, तो अभी हम हैं स्वराज में, तो आप लोग को दिखाते हैं स्वराज का ट्रैक्टर ही। देखो यहाँ पे पूरे जगह ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, देखो पूरे स्वराज के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर ही, नया ट्रैक्टर है पूरा। स्वराज 742 दिखाया आप लोग को, लेकिन हम बनाएंगे स्वराज 963, उसमें 4 व्हील ड्राइव भी आता है, तो हम उसका बनाएंगे, और वो तो ऐसे ही मैं दिखा दी आप लोग को, धोनी ऐड करते ट्रैक्टर का। तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं स्वराज 963। We'll be right back.
चुका है ट्रैक्टर का, 5 स्टार सिंस 1974। चक्का कितना बड़ा है पीछे का। और अपन खेत में लगाने के लिए पीछे वो भी करते हैं, और यहाँ से चढ़ने के लिए ऊपर में सामने छोटा सा पीछे बड़ा चक्कर रहता है। जी हाँ सर जी, ये ट्रैक्टर जो है शार्ट एचपी की ट्रैक्टर है और ये स्पेशल हार्वेस्टिंग के लिए बना हुआ है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए आसान जो है, आज फार्मर जो है धान की कटाई के लिए हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रैक्टर में। और ये ट्रैक्टर जो है फोर व्हील में भी आता है। अच्छा। और सादे में भी आता है, टू व्हील में। और ये ट्रैक्टर जो है मार्केट में अभी इतना अच्छा चल रहा है कि हर कस्टमर का डिमांड है कि हमको स्वराज 963 चाहिए। आइए तो थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रैक्टर के बारे में। ये ट्रैक्टर जो है साइड शिफ्ट गियर है, इससे कस्टमर को गियर लगाने पे बहुत सुविधा होता है, कम समय पे जल्दी गियर लगता है और सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है, स्लाइडिंग सीट है, एडजस्टेबल सीट है। अच्छा। कस्टमर ड्राइवर को कोई तकलीफ नहीं होता, बढ़िया चलता है। इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इसमें एक डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है साइड में, अगर कोई पडलिंग के काम में ट्रैक्टर फंसता है तो इस डिफरेंशियल लॉक के सहारे से अपन आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ये कंपनी ने एक इजी हिंज बना के रखा हुआ है, दिया हुआ है, इसको हम खोलते हैं। इससे हम कल्टीवेटर के जो इम्प्लीमेंट है उसको फिट करने में एक अकेले ड्राइवर के साथ अकेले ये फिट हो सकता है। ये लीवर जो है आपका लोअर लिंक को, हाइड्रोलिक सिस्टम को अप और डाउन करेगा अकेले। ये है डीसी वाल्व, जो ट्रॉली जेक ट्रॉली होता है उसको हम यहाँ लीवर से ऑपरेट करते हैं। ये लीवर दिया हुआ है डीसी वाल्व में। ये अभी दो, जिसमें हम अभी सिंगल एक्टिव में चलेंगे, अगर हमको जेक ट्रॉली में डबल पाइप चलाना होगा तो इसको भी चालू करने के लिए सिस्टम नीचे लगा हुआ है। इसको ढीला करेंगे और ये नाप खोलेंगे, ये दोनों एक्टिव हो जाएगा, अभी सिंगल एक्टिव में है। ये देखिए ये इजी हिंच है, हमने ट्रैक्टर चालू किया, ड्राइवर जो है सीट से उतर गया है और ड्राइवर जो है अकेले ये इम्प्लीमेंट को ऑपरेट कर सकता है, फिट कर सकता है इस तरीके से, ये बिना हाइड्रोलिक लीवर दिए हुए हम इसी इनके सहारे से कल्टीवेटर लगा सकते हैं। ये सुविधा कंपनी ने बढ़िया बना के दिया है। पहले के ट्रैक्टर में ऐसा नहीं आता, पहले के ट्रैक्टर में ये नहीं था, अभी मॉडिफाइड किया हुआ है ये सारे। ये आपका PTO है 540 इकोनॉमिक और 540। आपने जैसा फसल काटना है थ्रेशिंग के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है ड्राई क्लीनर, कंपनी ने ड्राई क्लीनर दिया हुआ है, इसके अंदर में सूखा फिल्टर है, जो आपका ट्रैक्टर का फ्यूल कंजक्शन उसको कम से कम खपत करके वो चलाता है। अभी रेडिएटर के सामने कोई ऐसा हवा जाने के लिए ब्रेक नहीं है, जैसे कोई दूसरी कंपनी में बैटरी लगा के रखते हैं तो हवा कम जाता है। हमारे कंपनी ने साइड में वो फाउंडेशन बैटरी का दिया हुआ है, ये फाउंडेशन साइड में दिया हुआ है। बैटरी का टर्मिनल जो है छोटा सा छोटा कर दिया है ताकि इंजन को स्टार्ट करने में करंट कम लगे और बैटरी की लाइफ बने रहे। इसके अंदर में दो पंप दिया हुआ है, हाइड्रोलिक पंप जो HYD बोलते हैं,
एक आपका हाइड्रोलिक को चलाने के लिए, एक आपका पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए, दो पंप दिया हुआ है। अगर बाय द वे हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा है तो एक ही पंप चेंज होगा, अगर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है तो एक ही पंप चेंज होगा। कस्टमर को ये सुविधा है ताकि उसको ज़्यादा खर्च न लगे। ये है पावर स्टीयरिंग के लिए आयल बाथ। इसके अंदर में दो लीटर समथिंग आयल आता है जो अकेले पावर को ट्रांसलेट करता है। ये पावर सिलेंडर है स्टीयरिंग का लेफ्ट और राइट काटने के लिए। ये फुटरेस्ट जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है ताकि ड्राइवर को कोई तकलीफ ना हो, इसमें बैठ के चलाने पे बढ़िया रहेगा। मीटर बोर्ड, इसमें आपका सर्विस का ड्यू डेट बताएगा कितने घंटे पे आप अपने को सर्विस करना है। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल छोटा कर दिया है ताकि आसानी से आसानी कट सके। इग्निशन स्विच है हेडलाइट के लिए, इंडिकेटर के लिए, हैंड थ्रोटल, एक्सीलेटर के लिए। जब तक इस ट्रैक्टर को अपन क्लच ना दबाएं वो स्टार्ट नहीं होगा। क्लच दबाएंगे तभी स्टार्ट होगा। ये सेफ्टी कंपनी ने बना के दिया हुआ है। साइड मिरर दिया हुआ है बढ़िया, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आप देख सकते हो। साइड शिफ्ट गियर है। ये मीडियम हाई और लो में बनाया गया है, जिस तरीके से कस्टमर का डिमांड था उसको कंपनी ने देखते हुए ये बनाया है। और ये क्या चीज़ है भैया नीचे? ये ब्रेक पैडल है। ब्रेक पैडल है, दो अलग अलग है? दो अलग अलग है। जैसे कल्टीवेटर चलाते हैं खेत पे, हाँ। तो इसके इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन हम रोड में चलेंगे, हाँ। तो दोनों पैडल को बिल्कुल लॉक करके चलेंगे दुर्घटना से बचने के लिए। ये फ्यूल टैंक 63 लीटर की है, बहुत बड़ा बनाया है ताकि सुबह से शाम तक चल सके। ये लीवर एक ऐसा लीवर है जो अपने को कल्टीवेटर चलाते समय अगर अप करना है तो इस लीवर से ऑपरेट करेंगे, ये ऐसा। और जैसे डाउन करना है ये छोटा लीवर ये देंगे, कल्टीवेटर डाउन होगा। और ये सीट को एडजस्ट कहाँ से करते हैं? सीट को एडजस्ट के लिए ये साइड से हुक दिया हुआ है। ये साइड से ये वजन के हिसाब से, ड्राइवर का वजन कितना है उस हिसाब से सेट करेंगे, और ड्राइवर की लंबाई के हिसाब से इस सीट को आगे पीछे करेंगे। अच्छा। बैटरी चार्जर दिया हुआ है, मोबाइल चार्जर, उस पर पॉइंट बना के रखा हुआ है। ये चालू है अभी। पहले ये सब नहीं देता था? पहले नहीं देता था। और पानी बोतल रखने के लिए भी कुछ दिया? पानी बोतल रखने के लिए दिया है। अच्छा। बढ़िया। और इसमें टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम लोग अभी बैठे हुए? दो तो इधर राइट पे आ जाएगा, दो आदमी अच्छा लेफ्ट पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल पाँच लोग ड्राइवर मिला के? ड्राइवर मिला के पाँच लोग सफर कर सकते हैं। ये प्रति घंटा आपको 28 किलोमीटर जाएगा। अच्छा, एक घंटे पे 28 किलोमीटर। अच्छा। और इसका टायर का साइज क्या क्या होगा आगे पीछे का? 16x28। अच्छा, बहुत बड़ा टायर है। हाँ, बड़ा टायर है। ये देखिए यहाँ पे ये 16x28। अच्छा। और सामने का टायर ये 750/16। ये है 750/16। टायर का साइज भी बड़ा कर दिया है। इसमें 4x4 भी आता है? 4x4 भी आता है। ये माउंट जो है कास्ट आयरन का है ताकि ट्रैक्टर सामने से उठे ना, इस वजह से इस पर वेट दिए हैं। कई ट्रैक्टर जो है सामने से उठ जाता है, तो ये ट्रैक्टर जो है उठता नहीं क्योंकि वेट दिया हुआ है इसमें। बढ़िया। ये देखिए सिस्टम जो है, ये जेक सिस्टम है सॉकअप का,
बड़े आसानी से बंद होता है, बड़े आसानी से खुलता है। ये लॉक है इसका, ये ऐसे छोड़ दीजिए, बड़े प्यार से बंद हो जाएगा। हेडलाइट 2 किलोमीटर के आसपास ये अंधेरे पे फोकस जाएगा, रोशनी आएगी। और इसका इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिकेटर चारों तरफ है। अच्छा, पार्किंग लाइट के साथ में। और पीछे इसमें ये भी दिया हुआ है लाइट, ये सर्च लैंप है सर्जिंग के लिए। अच्छा, और इसमें अपन वो खेत में वो करने के लिए पीछे वो लगाते हैं, आप जैसा इम्प्लीमेंट चला सकते हो, कल्टीवेटर चला सकते हो, पंजा चला सकते हो, प्लाउ चला सकते हो, हैरो चला सकते हो, रोटावेटर चला सकते हो, जैसे आपकी खेती है वैसा करना है। अच्छा, और ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स है ये, इसमें टूल्स रखने के लिए बॉक्स बनाया है रखने के लिए। और ये क्या भैया? ये क्लच बोलते हैं इसको। अच्छा, पीटीओ क्लच। हाँ, ये पीटीओ क्लच जो है ना, तो ये अपना ट्रैक्टर जो है डबल क्लच के नाम से है। अच्छा, दो लीवर जो है अलग अलग ऑपरेट करेगा, एक क्लच के लिए मेन गियर के लिए और एक पीटीओ के लिए। अच्छा, यहाँ से हम ऑपरेट करेंगे है ना, ये ऑपरेट हो रहा है। ये इसमें 963 आता है, और क्या क्या आता है 963? और नहीं, ये 60 HP में 963 AP ही आता है। हाँ ना, इसमें 4 व्हील दिया है। हाँ, और ये 2 व्हील दिया है। अच्छा, अभी ये 2 व्हील का चल रहा है, 2 व्हील का चल रहा है। 3 सिलेंडर के इंजन है, 3 सिलेंडर के इंजन। खेती में लगाने के लिए पीछे जो यूज़ करते हैं उसको भी दिखाते हैं आप लोग को, तो यूज़ करते हैं पीछे लगाने के लिए। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये सब पूरा यूज़ करते हैं। और ये हार्वेस्टर है, इसको हार्वेस्टर बोलते हैं। अगर आप लोग को हार्वेस्टर की व्लॉग देखना हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग ट्रैक्टर का व्लॉग फुल टू सपोर्ट करो। और अगर इसमें 1000 व्यूज़ आता है तो मैं आप लोग के लिए हार्वेस्टर का भी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। यहाँ पर और भी ट्रैक्टर, उसको भी दिखा देते हैं, पूरे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है यहाँ पर। ये 855 FE है, नहीं देखो इसके सामने के भी चक्के बड़े हैं इसके। ये FE है 855। और ये 963 है। तो चलिए यार, चलते हैं। और हमने तो आप लोग पूरा डिटेल में बता दिया। वीडियो कैसा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ यार अच्छे से अच्छे शेयर करो। और इसमें अगर 1000 व्यू आता है तो आप लोग के लिए मैं हार्वेस्टर का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। चलते हैं, आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाजू में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए फॉर्म में, एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।